बॉलीवुड के छोटे नवाब यानी सैफ अली खान इस साल अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड करीना कपूर के अंकल शमी कपूर की अचानक डेथ हो गई, इसीलिए सैफ कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। जाता है कि आयान मुखर्जी उनकी अपकमिंग फिल्म के एक्टर्स यानी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के बीच फिर दोस्ती करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो आए दिन उनके घर में इन दोनों के साथ पर्सनल मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं ताकि फिल्म शुरू होने से पहले ये दोनों अपने सारे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करें। जैकलिन फर्नांडिस और जावेद रिसेंटली एक साथ नजर आए मुंबई के एक कॉलेज फेस्टिवल में। यहाँ ये दोनों स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइज किए गए इवेंट्स को जज करने आए थे। बिपाशा बासु के साथ हुए ब्रेकअप के बाद जॉन अब्राहम का नाम उनकी फिल्म हाउसफुल 2 की को स्टार असिन के साथ काफी लिंक किया गया और कहा जा रहा था दैट दे आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स, लेकिन असिन ने एक इंटरव्यू में इस खबर को सरासर झूठ कहा। कहा जा रहा है कि संजय दत्त और अजय देवगन कंगना रनौत से काफी नाराज हैं क्योंकि कंगना इन दोनों के लिए कई अनचैरिटेबल रिमार्क्स दे रही हैं, इसीलिए अजय और संजय ने कंगना के साथ कभी ना काम करने का फैसला किया है और साथ ये उनकी फिल्म रास्कल्स के म्यूजिक लॉन्च पर कंगना को इनविटेशन नहीं देंगे।